किस्सा वीडियो के। आज ये वीडियो है चिकन डिनर की। यहाँ पे मैं उतरा था मिलिट्री, बहुत अच्छा गेम प्ले है, चेक कीजिएगा। चिकन डिनर के साथ 3-4 दिन हो गए हैं, वीडियो पड़ी हुई थी लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। ये देखिए, एक बंदा आपने देखा होगा साथ ही उतरा बिल्कुल, और एक दो स्क्वाड और भी उतरी थी यहाँ पे। यहाँ पर समझ लें गन फाइट ही हो गई थी। ये मुझे गन मिली, काफ़ी गन थी यहाँ पे। ये वो दिखा मुझे, स्प्रे दिया पर वो आया नहीं। अब यहाँ पे फिर आ गया वो, अभी बिना डैमेज लिए ये तो गया। एक बंदा नॉक, एक बुलेट नहीं लगी मुझे, चेक किया, एक बुलेट नहीं लगी। मैं रिलोड करने लग गया क्योंकि कोई और आ जाता मार देता। इस बेचारे के पास गन नहीं थी, इसका टीममेट होगा। ये भी गया, यहाँ पे 2 किल तो हो गई थी मेरी। उसके बाद अब जो मेरे टीममेट थे ना, नंबर 2 और नंबर 3, ये डिसकनेक्टेड हो चुके थे, इनका मैच ही नहीं लगा हुआ था। अभी ये इनका लैंड हो जाएगा एंड पे बिल्कुल। ये देखें, ये पता नहीं क्या है आर्केड, ये गेम्स आएंगी इनके अंदर, फिर हम गेम्स खेल सकते हैं, इसके गेम के अंदर गेम्स खेल सकते हैं। और यहाँ पे मैं बंदे ढूंढ रहा था, यहाँ पे मुझे लगा था वो देखें एक बंदा, वो देखें कैसे करा है। अब नेट करेगा ये मेरे ऊपर, मैं यहाँ पे टीपी पे लेने लग गया। टीपी भी लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि उसको तो नहीं ना पता मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब वो देखें, ये गया, इसको तो मार दिया। यहाँ पे 3 किल हो गई। अब ये देखें कब से फायरिंग हो रही थी अपार्टमेंट वाली साइड पे। अब मुझे तो किल चाहिए थी, मैं चला गया अपार्टमेंट वाली साइड पे। ये देखें जा रहा हूँ मैं छुप छुप के, खुले से जाऊँगा तो फिर पूरी स्क्वाड ने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी तो मेरा तो मर जाएगा ना। टू कवर जा रहा था, छुप छुप के छुप छुप के। कवर से कवर, कवर से कवर, बिल्कुल सामने बंदे थे मेरे अपार्टमेंट्स में। फिर कवर में, कंटेनर्स के कवर में, अभी सामने वॉल की कवर में फायरिंग हो रही थी ना। 2 टीम लड़ी थी, वो देखे छत से दिखा। एक बंदा छत पे है और बाकी दूसरे अपार्टमेंट में है। अब उस बैक साइड से भी फायरिंग हो रही थी, मैं उस साइड पे देख रहा था, लेकिन ये जो फायरिंग हो रही थी ना, लग रहा है ना सामने से हो रही है, लेकिन ये अपार्टमेंट की छत के ऊपर बंदा लेटा हुआ है, वो फायरिंग कर रहा है बिल्कुल ऊपर, इधर लेटा हुआ है। मैंने कहा चलो वो ऊपर से उधर फायरिंग कर रहा है दूसरी तरफ, तो मैं पीछे से जाके से मारता हूँ। मैंने देखा 7 की कहीं एमओ दिख जाए मुझे, 7 की एमओ वो जेब पर लूटेड था सारा। फिर मैं ऊपर चला गया सीधा, बर्स से ही मार लूँगा। मैंने कहा वो सामने देखें लेटा हुआ है, वो सामने, और ये मर गया। 4 किल। अब सामने में भी फायरिंग हो रही थी जिसको ये मार रहा था। अब यहाँ पे स्कार उठा ली, मैंने कहा मैं खड़े होके चलूँगा तो शायद मुझे गोलियाँ ना पड़ जाएं। बैठ बैठ के चल रहा था, वेस्ट उठाई। ये देखिए, दो दो फ्लेयर लेके बैठा हुआ था ये बंदा, पता नहीं क्या था इसे, दो दो फ्लेयर भाई। अब सामने भी बंदे थे और उस तरफ भी बंदे थे, वो देखें वो गया अंदर। अगर जो अभी अंदर गया था ना, वो मुझे मार सकता था, वो पीछे थर्ड पार्टी कर सकता था। अगर उसके पास कोई स्नाइपर होती, कोई अच्छा स्कोप होता, सीधा हेडशॉट मार सकता था पीछे से। अब सामने भी बंदे थे मेरे, ये बैठ बैठ के चल रहे हैं, पता नहीं क्या था ये, पता नहीं इंसान था ये बॉट था ये। मैंने स्कायरन साइड से स्कार की बुलेट मारी है एक उसे। अब एमओ थी नहीं मेरे VSS की, तो मैं चला नहीं रहा था VSS ज़्यादा, क्योंकि एमओ तो थी नहीं। मैंने कहा चलो रश करते हैं,
बात है, रश करना चाहिए। हम कैंपर नहीं हैं, हम रश करेंगे। फिर फायरिंग हो रही थी, बिल्कुल इंसानों वाली फायरिंग थी, कोई बॉट फायर नहीं कर रहा था ये। लेकिन अभी जब इसे मारूंगा फिर देखिए, ये देखें कोर फ्लेयर, पर ये लूटी थी, उसी बंदे ने लूटी हुई थी। इसको कितना दुख हुआ होगा, उसकी दो दो फ्लेयर ज़ाया हो गई। ये देखें जंप कैसी थी, डायरेक्ट नीचे था ना वो, बिल्कुल मेरे नीचे है वो, देखें ऊपर जा रहा है। अभी पता नहीं यूँ क्यों खड़ा हो गया था, स्टैचू बन गया था। तो यहाँ पे मुझे लगा बॉट है, लेकिन फायरिंग तो बिल्कुल इंसानों वाली कर रहा था। ये मैं बैंडेजेस, अब वो जो सामने बंदा था उसको भी मारना था मैंने, लेकिन वो मुझे मिलेगा ही नहीं। ये मैं टावर पे चला गया, 5 ही किल थी। ये जंप चेक करें बस, ये जंप के लिए मैंने पार्ट लगाया है, जल्दी से नीचे उतरना ही का तरीका। अक्सर मैं इस तरह करता रहता हूँ, लेकिन अगर आप एक दफ़ा गिर गए तो आपका मर जाता है। मैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से गाड़ी ढूंढी, इतना चलता रहा इतना चलता रहा, पूरी मिलिट्री घूम गया था मैं। ये अपार्टमेंट से पूरे ऑपोजिट साइड पे गया था मैं। मैं आपने मुझे डब्बा दिखा, मैंने कहा क्या पता कोई फ्लेयर ही मिल जाए, दो तो मिल गई हुई हैं, शायद कुछ और मिल जाए। यहाँ पे मेरे टीममेट दोनों मर गए, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड थे, उनको किसी ने मार दिया। देखें जोन के बाहर डिस्कनेक्टेड, पता नहीं कोई ग्लिच लगा हुआ गेम के साथ, मैच ऑन ही नहीं होता, मैच मेकिंग हो जाती है पर लॉबी में चला जाता है, मैच नहीं लगता। मैं अब मुझे बग्गी मिली, तो मैंने कहा बग्गी नहीं जीप लेंगे। फिर अब जीप दिख गई, जीप ले ली। जोन बहुत डैमेज दे रहा था और जाना भी काफ़ी दूर था, फ्लेयर भी थी, जाके फ्लेयर भी चलानी थी। अब मैं जीप चला रहा था, ब्रिज वगैरह से निकला, उसके बाद मेरे सब प्रैंक हो गया। और ये देखिएगा अभी ये ब्रिज से, और ये मैं जा रहा था घरों के पास से, अब ये खुद ही जीप ने व्हीलिंग की और सीधा जाके फंस गई इसके ऊपर, रेलिंग के ऊपर। अब मैं जोन के बाहर था, हेल्थ भी थोड़ी थी, तो फिर हील करके पैदल ही गया सारा। जोन में जाके मैंने फ्लेयर चलाई, अब इस ऐसी टाइमिंग पे मैंने चलाई थी, जोन में भी निकला ही था, पहुंचा ही था, तो अगला जोन बन भी गया। तो मैंने कहा चलो अब बंदे नहीं आएंगे, किल नहीं मिलेंगे, चलो लेकिन कोई बात नहीं, फ्लेयर तो आराम से लूट तो कर लूँगा ना मैं। यहाँ पे फ्लेयर की वजह से थोड़ी खुशी मनाने लग गया, जंपिंग वगैरह भी मैं स्प्रे पेंट वगैरह करूँगा। मैं तो खुशी मना रहा था, अब चिकन डिनर मेरा ही होगा अगर ओम आ गई तो। एम आउट कर रहा था, पता नहीं ऊपर चले जा रहा था खुद ही बंदा। मैं इमोट हो ही गया आखिरकार, और इतनी देर मैं देख रहा था कि ड्रॉप कहाँ आएगा, कब आ रहा है, किस एंगल में आ रहा है, जोन के बाहर ना गिर जाए। गाड़ी तो नहीं आ गई क्योंकि ऐसी टाइमिंग पे चलाया था। और ये यहाँ पे फिर मैंने देखा आयरन साइट, किसका अच्छा है, M762 का या M416 का, लेकिन M416 का बहुत अच्छा है। मैं बैठ गया था कवर में, क्योंकि हेड भी पड़ सकती थी खुले में, आप लेट जाओ या बैठ जाओ, क्योंकि फ्लेयर चलाई है, कोई कवर भी नहीं था। उधर मेरे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई जा रही थी कि गेम लीव कर दो, लीव कर दो, क्या करना है खेल के बैक आ जाओ। मैंने कहा नहीं, अब तो इतनी किल हो गई हैं, प्लेयर भी मिल चुकी हैं, तो अब खेलूँगा। अब ये देखें ड्रॉप आया, क्या अभी मैंने उठाया भी नहीं, बस ये ओम लोड हुई, ओम उठाई है, इतनी देर में ये गाड़ी की आवाज़ आई। अब यहाँ पे देखिएगा इनको कैसे मारा मैंने, तीन बंदे थे ये। अब यहाँ पे मैं कवर में रह गया, वो देखें सामने जाके उन्होंने गाड़ी रोकी, एक आ रहा है इधर, ये देखें मैं ज़्यादा पीक नहीं ले रहा था, बस ऐसे ही स्प्रे दे जा रहे थे, एक बुलेट लगी। और
ये लग गई, नॉक हो गया। अब वो नजर ही नहीं आ रहा था किधर, वरना मैं फिनिश कर देता। अब जब मुझे नजर आया तो वो आगे जा चुका था, बुश आ गई सामने। अब उसका टीममेट उसे रिवाइव देने चला जाएगा, उसका टीममेट। अब जोन भी स्टार्ट हो गया है, देखें डेंजर जोन भी आ गया, जोन भी स्टार्ट हो गया और फाइट हो रही थी तीन बंदों से, मैं सोलो वो तीन। अब मैंने यहाँ पे पेन किलर मार लिया क्योंकि जोन आ रहा था, डैमेज भी काफ़ी देना था जोन ने। उन्होंने डैमेज ना लेने के लिए उनका एक टीममेट भी नॉक था, तो वो उसने हील भी किया करना था अभी, तो टाइम लगना था। वो लोग जोन में निकल गए जीप में, वो देखें वो चले गए। तो उसके बाद मैंने M762 पहन के M249 उठा ली, क्योंकि 100 गोलियां तो एक स्क्वाड रिलोड नहीं करनी पड़ेगी, एक स्क्वाड मार सकता हूँ। अब मैं आगे चला गया, मैंने सोचा भी नहीं था जो मेरे साथ भी होगा आगे। मैं आराम से जा रहा था और यहाँ पे इन्होंने मेरा आगे जोन ब्लॉक किया हुआ था, मुझे नहीं पता था। मैं आराम से जा रहा था, अभी देखें सामने वो दरख्त के पास बंदा दिखा होगा आपको 330 पे, वो देखें पीक ले रहा है। मुझे यहाँ पे नहीं दिखा था, ये वीडियो जब एडिट कर रहा हूँ ना फिर दिखा था। ये मुझे बुलेट पड़ी और मुझे नज़र आ गया वो दरख्त के पीछे है। मैंने बस स्प्रे देता गया, 100 गोलियां थी, रिलोडिंग की टेंशन नहीं थी, तो क्योंकि हेल्थ कम थी, वो पीक देता तो मर जाता वो, मेरी हेल्थ भी कम थी। मैंने हील के इतनी देर में जो राइट साइड से गोली पड़ी, ये अब पड़ गई, अब डैमेज हो गया, अब दोनों साइड से पड़ रही थी। यहाँ पे इसको डैमेज दिया, इसको मैंने थोड़ा सा डराया, मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ, लेफ्ट देखने लग गया, मैंने राइट से उसको स्प्रे दे दिया, ये नॉक हो गया। इसके सामने दो बंदे अभी भी हैं, वो जो टीममेट थे इसके, ये तीन थे ना, ये वो एक जीप पर, इन्होंने आगे सामने जीप खड़ी की, और अब एक मेरे पास था और दो सामने खड़े हैं, वो जीप खड़ी है सामने। मेरे पास हो, मुझे समझ नहीं आ रही थी जोन में कैसे जाऊँ, कोई घर वगैरह भी नहीं है, कवर में वरना चला जाऊँ। मैंने गाड़ी पे स्प्रे देना शुरू कर दिया कि वो शायद डर के चले जाएं, और वही हुआ, वो अगले जोन में निकल गए। यहाँ पे मैं फिर भी बार बार छुप रहा था कि कहीं मुझे शॉट ना पड़ जाए, एमओ भी उठानी थी। यहाँ पे रिलोड वगैरह किया मैं, कहा चलो कोई बात नहीं, निकल जाते मर गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मरा तो वीडियो बन जाएगी। मैं निकल गया बस, कि उनके साथ सामने से तो नहीं ना जा सकता, उस स्प्रे दे के मार सकते हैं मुझे। अब यहाँ पे 13 बंदे थे मुझे मिला के, मैं सीधा 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 निकल गया। ओ मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पे, मैंने कहा शुक्र है निकल गया हूँ। उन्होंने वो अगर जोन ब्लॉक करते ना मेरा, वो आराम से मुझे मार सकते थे, बाद में जीप में बैठ के जोन में चले जाते, पर उन्होंने अक्ल इस्तेमाल नहीं की, हम 200 IQ यूज़ करते हैं। ये एनर्जी ड्रिंक पी ली, और यहाँ पे मेरे पास कोई स्कोप नहीं था, 2x ही ओम चलाई है मैंने पूरे मैच में, एंड पे जाके मिली है मुझे जाके 8x, वो भी इन जीप वालों के पास था, 6x 8x इनके पास बहुत अच्छी लूट थी। M24 भी थी, M762, मुझे कोई स्कोप ही नहीं मिले, फ्लेयर मिल गई, ये भी लेवल 3 का बैग इसी के डब्बे से मिला था। अब मुझे अभी भी डर था, वो सामने यहाँ पे मुझे नज़र आ गए, वो सामने घरों के पास। अब मैंने उनको रोटेट किया, मैंने कहा मैं इनका जाके जोन ब्लॉक करता हूँ। यहाँ पे मैंने नेट किया पीछे, कि वो नेट की आवाज़ सुनेंगे और वो रुक जाएंगे, पीछे देखेंगे और मैं इनके आगे जाके इनका जोन ब्लॉक करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग निकल के ना, ये काफ़ी आगे चले गए हुए थे, उन्होंने नेट की शायद आवाज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन अगर सुनी भी होगी तो वो रुके नहीं, वो निकल गए थे काफ़ी आगे। इतनी देर में सामने मुझे और बंदे दिख गए, या तो पता नहीं यही बंदे थे या कोई और थे, ये नहीं पता, लेकिन सामने और एनिमीज थे। अब वो देखें वो सामने ही है, एक बंदा गया सामने, लेकिन 2x से ओम चला रहा हूँ। अब जोन आगे बना था, उनके पास हाई ग्राउंड था, मैं निकलता तो मुझे मार सकते थे, लेकिन वो लोग तो ऊपर थे ही नहीं, वो तो निकल गए थे, तो मैं इसलिए चला गया जोन में।
और ये मैं आहिस्ते से निकल गया जोन में, देख कोई भी नहीं है। और जितने अगर आप उनके उस हाई ग्राउंड पे जाओ जो पीछे है मेरे, तो लगता नहीं है कि इसके नीचे भी कोई पहाड़ या ये। अब जब नीचे देखेंगे तो नीचे तो बहुत अच्छा एंगल है, यहाँ से लग नहीं रहा था ऊपर से। अगर कोई नीचे हो यहाँ से बहुत अच्छी तरह मार सकते हो आप। मैंने ऊपर से देखा, मुझे नहीं पता था कि नीचे इतना डीप होगा, मतलब कि वो जो सामने घर है ना वहाँ पे बंदे हैं, वो देखे नज़र भी आए होंगे, वो जा रहे हैं। अब 2x था तो मैंने फायर नहीं किया क्योंकि शॉट तो लगनी नहीं थी। चल रहा है वो, वैसे भी मैं यहाँ कवर में आया, फिर मैंने शॉट मारी कि शायद लग जाए, शायद शायद लग जाए, किस्मत अच्छी हो तो। ये 2 में सुई और अपनी बचेगा ये बॉडी शॉट। लेट गया अब इसे, क्या पता नहीं मैं होम से जा रहा हूँ, अगर इसे बुलेट लगी है तो मतलब मैं इसे देख सकता हूँ, तो इसको क्या लेटने की ज़रूरत थी। अजीब बंदे, ये मार दिया मैंने पूरा यहाँ पे। इसके टीममेट सामने खड़े हैं वो देखें। अब इतनी देर में मुझे ये भी फायर करते, मेरे राइट साइड भी ये फायर भी हो गई। मैंने कहा अब तो मर गया मैं क्योंकि थर्ड पार्टी हो गई, लेकिन ये लोग भी उसको मार रहे थे जिसको मैं मार रहा था। ये देखें ये शॉट कैसी थी, दो कट्ठे चलते चलते ये मिस और ये फिर शॉट लगी है और ये मर गया यहाँ पे। ये भी एक और है यहाँ पे, ये 3 थे ना, तो एक मैंने स्टार्टिंग में मारा था M249 से। ये देखें ये लेटा हुआ था, इसको भी बॉडी शॉट लगी। अब एक मेरे पीछे है बंदा और 2 का मुझे पता नहीं है किधर है, एक का तो पक्का पता है ना वो मेरे पीछे है। अब स्मोक हुआ था तो सामने ही होगा दूसरा भी। मैंने पीछे देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो पूरा किल हुआ था जो जिसको भी मारा था मैंने ऑन बॉडी शॉट, तो वो उसके टीममेट तो हो नहीं सकते थे। अब वो बैक पे होंगे घर के। अब जिसको पीछे मारना था ना, मैंने उसके लिए बूस्ट वगैरह मार लिया, बूस्ट हमेशा मारा के। यहाँ पे जोन भी नहीं था उसके ऊपर ना मेरे ऊपर था, जो जोन में जाना था। अब वो जो जीत तबाह हुई है ना लेफ्ट साइड पे मेरे ट्रिगर्स के नीचे, वहाँ से आएगा वो इधर। ये देखें आ गया, स्प्रे दिया, 3-4 बॉडी शॉट लगी। गेम किल दे के प्लीज़ लाइक दीजिएगा। और ये मैंने नेट कुक किया, ये नेट किल थी, इसको मेरे ऊपर रश करना चाहिए था पर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मेरी 10th किल भी हो गई। ये स्कोप चेक करें, 8x 6s 4x, क्या का स्कोप है, चेक करो जी। ये कैटरीच वगैरह मैंने 6x भी लगा लिया, 2x भी फेंक दिया। एमओ अब थोड़ी रह गई थी, वो देखें गाड़ी जा रही है। मैंने जोन में जाना था, अगर फायर करता ना इसने मेरे पास आ जाना था, क्योंकि मैंने फायर नहीं भी किया उसे, मैं दिख गया था इतनी दूर से। सीधा ड्रैग मेरी तरफ आएगा और मैंने रिलोडिंग पे लगा दी गन। ये देखा उसने मुझे देखा और सीधा मेरे ऊपर आके गाड़ी मारेगा, और यहाँ पे ये नॉक हो गया। और एक और फनी चीज़, इसका जो टीममेट था ना डिस्कनेक्टेड था, बड़े मज़े से गाड़ी को मारा था ये। अब जो लास्ट बंदा होगा वो तो डिस्कनेक्टेड है, इसका टीममेट है वो। और किस्मत चेक करें मेरी, वो डिस्कनेक्टेड हो के भी किल मुझे ही मिलेगी, वो जोन के बाहर नहीं मरेगा, मैं ही मारूंगा उसे। अब यहाँ पे मैं कवर रहा था, मुझे तो नहीं ना पता था कि वो डिस्कनेक्टेड है, तो अब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मतलब खेल चुका हूँ पहले गेम तो मुझे पता है। वो प्लीज़ ग्रेनेड वाली किल के लिए लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ये चेक करें ओम की बुलेट चलते, ये देखें हेड शॉट। ओके अल्लाह फिर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिसके साथ बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके अल्लाह फिर।